बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी आपके पास प्रोपोर्शन से रिलेटेड है। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का हम चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे कि सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंस ऑफ प्रोपोर्शंस क्या होते हैं। अब स्टूडेंट, आपने सिंपल प्रोपोर्शन पढ़ा, वहाँ आपने पढ़ा कि जो आपके पास मीन होता है वो पी हेड होता है, जिस तरह हम फाइंड करते थे सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन के लिए कि हमारे पास क्या होता है, द समेशन ऑफ एक्स बार एन एफ एक्स बार आप कह सकते हो, ये हमारे पास होता था। अब क्योंकि हम प्रोपोर्शन में इंटर हो गए हैं, हमने प्रोपोर्शन फाइंड करना है एंड प्रोपोर्शन पी आपके पास किसके इक्वल होते हैं, इंटरेस्टेड यूनिट डिवाइडेड बाय एन, कि आपके पास जो इंटरेस्टेड यूनिट्स हैं जो वो आपको गिवन देते हैं डिवाइडेड बाय एन इज़ द प्रोपोर्शन और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस आ जाते हैं। अब स्टूडेंट, यहाँ पे जो हमने सिंपल वैल्यूज़ फाइंड की उसमें आपने क्या किया था कि प्रोपोर्शन के लिए फाइंड किया था, क्योंकि फर्स्ट ये वन पॉपुलेशन थी उसी को हमने डिस्क्राइब करना था, तो आप लिख देते थे म्यू पी इज़ इक्वल्स टू समेशन ऑफ पी हेड एंड एफ पी हेड, ये प्रोबेबिलिटीज़ ऑफ प्रोपोर्शन आ जाती थी। अब यहाँ तक तो हमने फाइंड कर लिया। फिर इसी तरह वेरियंस के लिए हमने किया कि ये सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरियंस प्रोपोर्शन में हमने कैसे फाइंड करना है, और आपको सिंपल पी पता है कि म्यू पी जो होता है वो इज इक्वल्स टू होता है पी के, सिंपल जो हम वैल्यूज़ पढ़े होते हैं तो पी हमारे पास किसके इक्वल होता है, एक्स डिवाइडेड बाय एन इट्स मीन इंटरेस्टेड यूनिट्स डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन जो आपके पास है, एंड वेरिफिकेशन आप कर रहे हो, तो अगर विदाउट रिप्लेसमेंट का केस है तो आप करेक्शन फैक्टर ऐड कर रहे होते हो जैसे कि यहाँ आपके पास था, और अगर विदाउट रिप्लेसमेंट का केस नहीं है तो आप करेक्शन फैक्टर ऐड नहीं करते। अब स्टूडेंट, यहाँ भी जब आप पढ़ते हो कि सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंस ऑफ प्रोपोर्शन आप जब पढ़ रहे हो, तो अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस इतना आ रहा है कि अब आपको दो पॉपुलेशंस गिवन है। अब आपने फर्स्ट पॉपुलेशन को डिस्कस नहीं करना, बल्कि अब आपके पास टू पॉपुलेशंस गिवन है और आपने उन टू पॉपुलेशंस को जो है वो डिस्क्राइब करना है। हम कहते हैं कंसिडर, हम कर लेते हैं कि इंडिपेंडेंट ऑफ सैम्पल्स एन वन एन साइज एन टू एट द रैंडम फ्रॉम द टू बाइनोमियल पॉपुलेशन विद द पैरामीटर पी वन एंड क्यू वन पी टू एंड क्यू टू रिस्पेक्टली। अब स्टूडेंट, यहाँ आपको क्या कहा जा रहा है, अभी तक हमने बात की कि जब हमारे पास जो पॉपुलेशन थी वो ओनली वन थी, अगर आपके पास टू पॉपुलेशंस आ जाती हैं तो फिर आपने क्या करना है, तो फिर आपके पास जो सैम्पल साइज़ होगा पॉपुलेशन फर्स्ट का वो एन वन होगा और सेकंड पॉपुलेशंस का सैम्पल साइज़ आपके पास एन टू होगा, इसकी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस होगी वो पी वन होगी, इसकी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस होगी सैम्पल टू की वो पी टू से हम मेंशन करेंगे, इसमें जो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर होगी वो क्यू वन होगी और इसमें जो होगी हमारे पास वो क्यू टू आपके पास आ जाएगी। यही चीज़ वो आपको बता रहे हैं कि बिकॉज वी आर डिस्कसिंग अबाउट द डिफरेंस ऑफ प्रोपोर्शन, व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट द डिफरेंस ऑफ पॉपुलेशन इट्स मीन टू पॉपुलेशन आर इन्वॉल्व, तो आपके पास टू पॉपुलेशन जो होती हैं वो इन्वॉल्व हो जाती हैं। वी डिनोट प्रोपोर्शन ऑफ सक्सेस इन ईच सैम्पल्स बाई पी वन एंड पी टू फ्रॉम ऑल कम्बिनेशन ऑफ दीज सैम्पल्स फ्रॉम द टू पॉपुलेशन वी कैन ऑब्टेन द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंस दिस वन वट इज़ कॉल्ड विच इज़ कॉल्ड द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंस बिटवीन प्रोपोर्शन। अब स्टूडेंट, मैंने आपको बताया कि हमने जी म्यू पी फाइंड किया, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन फाइंड किया, एंड हमने कहा कि ये इक्वल है पी के सिंपल प्रोपोर्शन में, क्योंकि अब दो पॉपुलेशन इन्वॉल्व हैं, हमने अभी डिस्कस किया कि हमारे पास दो सैम्पल साइज दो पॉपुलेशन हमें गिवन हैं, तो जब दो पॉपुलेशन गिवन हैं तो फिर डिफरेंस ऑफ प्रोपोर्शन पढ़ें, फिर आपके पास पी वन माइनस पी टू बिकॉज डिफरेंस मीन माइनस कर रहे हो आप एन पी वन माइनस पी टू। अब इसमें जो स्टूडेंट्स आप पढ़ रहे हो कि पी वन जो है वो भी इक्वल होगा एक्स डिवाइडेड बाई एन के, एंड पी टू में भी जो आप इंटरेस्टेड यूनिट्स उन्होंने कहे होंगे आप उसके ज़रिए मेंशन करके पी टू फाइंड कर लोगे, तो ये आपके पास आ जाएगा मीन। इसको हम कहते हैं सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंस ऑफ प्रोपोर्शन, द मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ दिस सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन डिनोटेड रिस्पेक्टली बाय म्यू पी वन माइनस पी टू एंड सिग्मा, जो आप फाइंड करते हो या आपके पास मीन आ जाते हैं, एंड सिग्मा आप अभी फाइंड कर रहे होते हो कि हमारे पास जो सिग्मा पी सिंगल के लिए आते हैं वो पी क्यू डिवाइडेड बाय एन हो जाता है, लेकिन क्योंकि अब हमारे पास दो पॉपुलेशन इन्वॉल्व होगी तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ आप लिख दो पी वन माइनस पी टू पी वन क्यू वन डिवाइडेड बाई एन वन। अब हमने एक पॉपुलेशन के लिए कर लिया प्लस सेकेंड पॉपुलेशन भी तो ऐड करनी है पी टू क्यू टू डिवाइडेड बाई एन टू, तो आपने ये फाइंड किया। अच्छा, एक और चीज़ हमेशा याद रखना स्टूडेंट कि यहाँ हमारे पास जो केस है वो विद रिप्लेसमेंट के,
अगर आपको प्रोपोर्शन में कह दिया जाता है कि आपने विदाउट रिप्लेसमेंट के लिए फाइन करना है, तो इट्स वेरी सिंपल कि आपने वहाँ सिर्फ और सिर्फ इसके साथ जो है यहाँ भी करेक्शन फैक्टर ऐड कर देना था और यहाँ भी करेक्शन फैक्टर ऐड कर देना था। और करेक्शन फैक्टर आपको पता है, ये आपके पास लिखा हुआ है सामने, आप इसको ऐड करते थे दोनों साइड पर, तो वो विदाउट रिप्लेसमेंट का केस हो जाता है। तो ये स्टूडेंट हमारे पास आ जाता है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंस ऑफ प्रोपोर्शन, बहुत सिंपल है, वेरिफिकेशन भी हो जाती है। अगर आपके पास आंसर इक्वल आ गए, इट्स मीन कि आपने कोई मिस्टेक नहीं की, जो मैंने आपको लिख कर दिया, अगर आपके पास ये वैल्यूज जो है इक्वल आ जाती है, इट्स मीन आपका आंसर वेरीफाई हो गया है कि जो आपने सॉल्व किया, अगर आंसर इक्वल आ रहा है तो आपने उसमें कोई मिस्टेक नहीं की है। आई होप स्टूडेंट आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको और भी इस टॉपिक में या इससे रिलेटेड किसी भी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम है, आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। मेरी कोशिश होती है कि मैं जल्द अज़ जल्द आपके टॉपिक को सॉल्व कर सकूं, आपकी कन्फ्यूजन को दूर कर सकूं। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें, अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।